गाइस वेलकम बैक साइड संजीव पांडे आप देख रहे हो एडियो है यहां पर हम बात करने वाले हैं हाउ टू लर्न थ्री टाइम्स फास्टर अब यहां पर मैं थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं कि थ्री टाइम्स आप इसको टेन टाइम्स भी समझ सकते हो अगर आपने इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया ना तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या आप बोलोगे भाई ये कंपाउंडिंग कंपाउंड इफेक्ट होता है ना कंपाउंड इफेक्ट होगा यहां पर और आप मतलब कुछ टाइम के स्पैन के बाद विल रियलाइज कि भाई आपकी स्पीड वाकई में बढ़ी है और यहां पर जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा इलेवन पॉइंट्स है इलेवन पॉइंट्स मतलब सारे के सारे साइंटिफिक है ठीक है मतलब रिसर्च किए हुए ऐसे वाले पॉइंट्स है जो मैं यहां आप, आपको शेयर करने वाला हूं और वो सभी पॉइंट्स अगर आपने मतलब हो सकता है कि उसमें से कुछ पॉइंट्स आप इंप्लीमेंट कर रहे हो और जिसका असर जो है दिख रहा हो ऑफ कोर्स और जो नहीं कर रहे ठीक है थीके? वो लोग बताना कि भाई कौन से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको मतलब लग रहा है कि भाई 100 परसेंट आपको उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ठीक है अच्छा अगेन आगे बढ़ने से पहले एक और बात बताऊंगा कि आ, अभी रिसेंटली ना मैंने एक टेस्ट कराया ठीक है आ, वो था डीएमआईटी टेस्ट तो उसमें क्या होता है ना बेसिकली आपके दसों फिंगर्स का जो ये टिप होता है ना इसका फिंगर लिया जाता है और दिस इज साइंटिफिक ये कोई भविष्यवाणी की बात नहीं है बेसिकली साइंटिफिक साइंटिफिक तरीके से उसको एनालाइज किया जाता है अब उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप पैदा होते हो या जब आप uh, uh, वोम में हैं हो अपने मम्मी की तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि आपका जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है कोई बच्चे का ठीक है तो उसी वक्त ये फिंगरप्रिंट्स भी बन रहे होते हैं और ब्रेन का स्ट्रक्चर ठीक है जितने भी है उसके जो लोब्स पार्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर और ये वाला चीज़ काफ़ी हद तक इसके पीछे मतलब दे आर लाइक कनेक्टेड एक तरीके से ठीक है और इस मतलब इंडिया में इस चीज को भले ही मतलब ऐसा नहीं कि एकदम अननोन है पर बहुत ज्यादा इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है ठीक है और लेकिन डेवलप कंट्रीज में बच्चा जब उसको एडमिशन दी दिया जा रहा होता है ना प्री स्कूल में उस वक्त ही ये टेस्ट दिस इज अफ टाइम टेस्ट एक बार होता है खाली वन टाइम पूरे लाइफ में टेस्ट किया जा सकता है मतलब कर तो कई बार सकते हो पर रिजल्ट वही है ठीक है क्योंकि फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होते आपके तो बेसिकली इसमें होता क्या है ना इसमें बहुत सारी बातें हैं मैं आपको एक ही बताऊंगा कि हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है जो उसमें काफी हद तक पहचान में आता है कोई ऐसा बच्चा होता है जिसको विजुअल तरीके से वो ज्यादा चीज़ें ग्रास्प करता है कोई ऐसा होता है जो सुन के ज़्यादा ग्रास्प करता है तो उसके लिए क्या लागू होता है कि वो जितना लाउडली बोलेगा पढ़ेगा उतना बोल बोल के पढ़ेगा उतना उसको जल्दी जल्दी समझ में आएगा और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका लर्निंग स्टाइल ऐसा है कि वो लिख के ही जो है उनके दिमाग में जल्दी फिट होता है तो हर बच्चे का एंड दिस इज अ न्यू टेक्निक न्यू अप्रोच ट्रेडिशनली क्या था कि भाई नहीं यार हर बच्चा एक कि जैसा है पर यहाँ पर ऐसा नहीं है अभी जो है वो चीज़ें थोड़ी सी रिसर्च हुई हैं वो पता चली है कि हर बच्चे का अप्रोच अलग हो सकता है पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है लर्निंग स्टाइल अलग हो सकता है तो ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है वैसे पर ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने यूज करके और यहाँ पर मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगा ठीक है और भाई उससे आपकी स्पीड जो है पढ़ाई की लर्निंग की स्टडी की वो जरूर जो है इम्प्रूव होगी सो लेट्स कम फॉर द फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो है टीच समवन एल्स और जस्ट प्रिटेंट टू या तो किसी को पढ़ाओ या तो बस ऐसे एक्ट करोगे तुम पढ़ा रहे हो मतलब मान लो दीवार सामने या, या सामने मिरर है और आप जो है जो चीज आपने पढ़ी है आप सामने वाले को बता रहे हो इस वे में फॉर एग्जाम्पल मैथ में आपने कोई सम किया है आप बुक खोल के और बता मान लो कोई सामने ऐसे बैठा है ऐसे प्रटेंड करो अच्छा ये ऐसे होता है ठीक है ओके समझा ओके ठीक है अगला स्टेप ये है ठीक है इसमें ऐसा हुआ? क्यों हुआ क्योंकि ये था ऑल राइट right? तो ऐसे जब आप करके कर रहे होते हो मतलब लाइक like, uh, जब आप पढ़ा रहे होते हैं इसलिए कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो अपनी हायर स्टडीज के टाइम पे वो अपने जूनियर्स को पढ़ा रहे होते हैं क्योंकि ना इससे काफी सारे कंसेप्ट है ना खुद के भी बहुत सारे क्लियर हो रहे होते हैं सो दिस इज समथिंग जो आपका आपका लर्निंग या रिविजन को बहुत इफेक्टिव बनाता है ओके okay? इसके बाद बात करते हैं लर्न इन शॉर्ट बर्स्ट ऑफ टाइम मतलब कि ना आप एक बार में एक लंबे स्ट्रेच की पढ़ाई मत करो मतलब आप एक, एक सिटिंग में आप दो घंटा तीन घंटा ठीक है साढ़े तीन घंटा चार घंटा या डेढ़ घंटा ऐसे पढ़ रहे हो ये दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच ठीक है इसमें आप ऐसे कर सकते हो हो सकता है कि कुछ बच्चे की कैपेसिटी हो गई होगी भाई वो एक घंटा या डेढ़ घंटा कंटिन्यूस पढ़ सकता है क्योंकि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ट हुई हो पर जो नेचुरल अप्रोच है वो ये है कि भाई आप 30-35 मिनट पढ़ के पांच से 10 मिनट का ब्रेक लो ब्रेक में मोबाइल और टीवी नहीं चलाना है ब्रेक में थोड़ा उठो थोड़ा वॉक करो उसके बाद वापस आके बैठ जाओ एंड कंटिन्यू तो ये छोटे छोटे बर्स्ट में जब आप पढ़ रहे होते ना छोटे छोटे स्लॉट में जब आप पढ़ रहे होते हैं ना कि आपने भले डिसाइड किया है कि मुझे ये दो घंटे पढ़ना है पर ये दो घंटे वन स्ट्रेच में नहीं थर्टी मिनट्स फाइव मिनट का ब्रेक थर्टी मिनट्स टेन मिनट का ब्रेक थर्टी मिनट्स टेन मिनट का ब्रेक तो ऐसे करके जब आप पढ़ रहे होते हो ना तो आपका जो सेचुरेशन है वो इतनी जल्दी नहीं आएगा ठीक है और आप आसानी से जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम तक अच्छे से पूरे फोकस के साथ पढ़ रहे हो तो पूरे इंटरेस्ट के साथ ठीक है तो ये चीज जो है एंड दिस इज साइंटिफिक वंस अगेन आई एम सेइंग आपका जो लर्निंग है फास्ट होगा इसके अंदर ठीक है टेक नोट्स बाय हैंड मैंने बताया ना कि लिख के ऐसे कैटेगरी है बच्चों की जो लिख के जिनका ज्यादा याद होता है पर नॉर्मली भी कोई भी बच्चा अगर ये अप्रोच भी रखता ना कि वो उसने एक आंसर तैयार कर लिया है प्रिपेयर कर लिया अब उसको बुक को बंद करेगा अब वो लिख के पॉइंट वाइज उसको कंप्लीट मतलब उसको याद कर ध्यान रख रहा है तो जब ऐसे कर रहे होते हो ना लिख के आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना वो चीज क्योंकि आपका सारा जब लिख रहे हो तो भाई आपका दिमाग भी चल रहा है आप देख भी रहे हो ठीक है तो आपके और सेंसेस भी काम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और जो आप लर्निंग है वो फास्ट होगी वहां पर भी कमिंग टू यूज द पावर ऑफ मेंटल स्पेसिंग अब इसका एक एग्जाम्पल दूंगा बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल स्पेसिंग मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या डेज आप समझो एक चैप्टर आपने कोई एक टॉपिक है जो आपने आज सुबह पढ़ा है और आप शाम को रिवाइज कर रहे हो दिस इज वन सिनारियो एक दूसरे सिलारियों में आप आज पढ़ रहे हो एक टॉपिक और कल रिवाइज कर रहे हो जो दिमाग में रिटेंशन होगा रिटेंशन मतलब जितना चीजें याद रहेगी वो कौन से केस में ज्यादा याद रहेंगी सेकेंड वाले में तो एक बेस्ट टेक्निक ये होती है कि आप ऐसे करो कि आज रात को जो चीजें आपने पढ़ी है ना आज रात में या शाम में जो आपने चीजें पढ़ी है ना आप अगले दिन मॉर्निंग में उठ के जब उसको रिवाइज कर लोगे ना तो वो काफी टाइम तक आपके दिमाग में रिटेन रहता है अगेन दिस इज साइंटिफिक ठीक है तो ये चीजें जो है आप इसको ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो एंड आप इसका रिजल्ट खुद ही इसमें चेक कर पाओगे ठीक है टेक अ स्टडी नैप स्टडी नैप का मतलब ये भी होता है कि जैसे मान लो कि आपको डेढ़ डेढ़ घंटे के वन एंड हाफ आवर वन एंड हाफ आवर के दो स्लॉट करने हैं पढ़ने हैं ठीक है आपको तीन से लेके साढ़े चार पढ़ना है और फिर छः बजे से लेके साढ़े सात पढ़ना मैं भी ऐसे आपने कुछ टाइम स्लॉट बनाया है तो अब इसके बीच वाला टाइम जो है ना सबसे बेस्ट पता है क्या हो सकता है इसके बीच का एक घंटा या फोर्टी फाइव सा नींद ले लो ठीक है अगेन दैट इज समथिंग वो ऐसा होगा होगा कि एक नए दिन की तरह इट विल बी लाइक आप दो दिन का जो स्पैन है वो या दो दिन का फ्रेशनेस आप उसमें यूज कर रहे हो गे. तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है ठीक है आप जब सो के उठते हो ना मॉर्निंग में सोचो कितना दिमाग फ्रेश होता है कितना चीजें ऑब्जॉर्व करने के लिए बना होता है तो ऐसे ही जब आप दिन में भी एक अगर दो दो स्टडी सेशन के बीच में एक नैप ले लेते हो ना दैट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव ठीक है इन टर्म्स ऑफ रिटेंशन ऑफ आंसर या जो भी टॉपिक आप कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हो ठीक है आइडेंटिफाई और लर्निंग स्टाइल जैसे मैंने बताया कि आपका मतलब खुद को आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है मुझे कमेंट करके आप ही बताना कि आपको चीजें देख के और मन में आप रीड कर लेते हो या फिर आप बोल के पढ़ते हो तो ज्यादा याद होता है क्योंकि आप सुन रहे होते हो या फिर आप लिख के करते हो तो आपको ज्यादा याद होता है ठीक है तो कौन सा वाला टेक्निक मतलब कंपेरेटिवली कौन सा आपके लिए ज्यादा काम करता है आप मुझे जरूर बताना है आपको भी वो आइडेंटिफाई करना है क्योंकि वो आपका हथियार है ठीक है अगला देखें से इट आउट लाउड ठीक है मैंने फिर बताया ना कि जरूरी नहीं है कि सभी के लिए यह चीज बेस्ट हो पर यह चीज नॉर्मली इन जनरल भी बहुत इफेक्टिव होती है कई बार आप लिख के पढ़ रहे होते हो दैट इज गिविंग यू प्रैक्टिस या चीजें रिटेन करने में हेल्प कर रहा है और दूसरे टाइम अगर आप मतलब अगले दिन आप बोल के पढ़ रहे हो तो आपको हेल्प कर रहा है क्योंकि एक पॉइंट में आगे बताऊंगा वो कनेक्ट करेगा इसको ट्राई सेल्फ टेस्टिंग अपने एग्जाम्स को मतलब अपने खुद का जो है टाइम मैनेजमेंट इज बिगेस्ट प्रॉब्लम ठीक है क्योंकि आप चीजें पढ़ लेते हो फास्ट पढ़ लिये सब ठीक है पर एग्जाम के टाइम पर फिर वो कलेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं उसकी टेस्टिंग भी होनी जरूरी है ठीक है यूज नेमोनिक डिवाइेस ठीक है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकोन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरिन आर्गन ये याद करने से अच्छा है ना मांगो अल्लाह से पेप्सिकोला ना से सोडियम ना एने ठीक है ना से सोडियम मांगो से मैग्नीशियम अल्लाह से एल्यूमिनियम सिलिकॉन इज से पेप्सी फफोरस को है ना तो ये चीजें फॉस्फोरस सल्फर पेप्सी ठीक है तो ऐसे आप अगर याद कर रहे हो ना दिस इज दिस विल हेल्प यू अलॉट ठीक है तो आप नेमोनिक्स का सहारा ले सकते हो ये फास्ट लर्निंग में काफी हेल्प करता है जैसे एसिड बेसिस में हमने पढ़ा है माय एसिड माय माई एप्पल इज रेड बनाना इज येलो माए मतलब मिथाइल ऑरेंज एप्पल यानी एसिड मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है एसिड में रेड हो जाता है और बनाना बेस में येलो हो जाता है ठीक है बी फॉर बेस बी फॉर बनाना ए फॉर फॉर एसिड ए एप्पल तो वैसे करके बताया गया यहां पर अगला देखते हैं टेंथ पॉइंट कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट यहां पर यूज कंपेटिव मेथड कंपेरेटिव मेथड मतलब क्या है जैसे आपने एसिड बेस चैप्टर पढ़ा तो एसिड्स का प्रॉपर्टी बेस का प्रॉपर्टी आमने सामने लिखा डिफ्रेंसेस के फॉर्म में सिमिलारिटी के फॉर्म में आपने मेटल नॉन मेटल पढ़ा आमने सामने लिखा ठीक है प्रॉपर्टीज जो भी थे ऐसे आप सब पढ़ सकते हो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप अगर चाहो तो भाई डिफरेंट कॉलम बना सकते हो एक कॉलम में आपने इलेक्ट्रिक uh, चार्ज के बारे में लिखा दूसरे में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तीसरे में पोटेंशियल डिफरेंस उसके बाद रेजिस्टेंस उसके बाद रेजिस्टिविटी तो आप लिखो सबका डेफिनेशन ऊपर लिख दो हर एक का उसके बाद उसका फॉर्मूला आ गया उसके बाद उसका सिंबल आ गया ऐसा यूनिट आ गया ठीक है और कुछ उसका उसके यूनिट्स का डेफिनेशन है वो लिख दो तो इस तरीके से आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे पता नहीं चलेगा दिस कम्पेरेटिव स्टडी हमने नाइन्थ में जब डाइवर्सिटी uh, uh, चैप्टर पढ़ा था कई लोगों को अमिट होगा वो पर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने डिफरेंट फाइलम्स को इस तरीके से पढ़ा था ठीक है बेस्ड ऑन डिफरेंट स्केलेटन के बेसिस पे ठीक है उसके सेक्सुअलिटी uh, के बेसिस पे डिफरेंट तरीके से हमने कंपेयर किया था सो दैट कम्पेरिजन मेक योर स्टडी इजियर ठीक है चाहे वो मतलब नहीं भी दिया हो बुक में तो आप अपने तरीके से अब आगे जब जाओगे टेंथ के बाद जो कोई साइंस ले रहा है तो एक चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आगे वैसे चैप्टर रिपीट होगा मैग्नेटिक के बारे में जस्ट कंपेयर करते जाओ पढ़ते जाओ भाई देखो किस तरीके से आपका सारा याद हो जाएगा मेक इट फास्टर ठीक है यू हैव टू मेक इट है इसके बाद चेंज योर प्रैक्टिस टेक्निक ईच डे ऐसा हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो कि आप आ, आपने फाइंड आउट कर लिया कि आप जो है ज्यादा लिख के अच्छा कर सकते हो या बोल के कर सकते हो ठीक है पर फिर भी अगर आप सेम टेक्निक हर दिन अगर इंप्लीमेंट कर रहे हो आप डायनेमिक नहीं हो तो दैट विल अगेन क्रिएट प्रॉब्लम क्योंकि दिमाग जो है ना बना है चीजें नए ना चेंज चेंज के लिए बना हुआ है तो भाई आज हो सकता है कि आपने चीजें पढ़ के जो है बोल के पढ़ा और चीजें याद करी अगले दिन लिख के जब उसको प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से बहुत तेजी से आप चीजों को ध्यान कर पाओगे इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं आप लोग जरूर बताना आप कौन से वाले पॉइंट्स ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो कौन से पॉइंट्स आपको ऐसे लगे जो भाई डेफिनेटली फॉलो करने चाहिए इसके अलावा कौन से ऐसे वीडियो है जो आपको रिक्वायर्ड है मुझे कमेंट करके बताओ थैंक यू फॉर वॉचिंग यू अगेन नेक्स्ट टाइम टिल देन बाय एंड ऑल द बेस्ट Download the app now.